दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला जिले में गुरुवार 7 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हो रहा है। कोविड 19 के प्रसारण को रोकने के लिए प्रतिबंधक उपयोजनाओं को कड़ाई से पालन कर इस उत्सव को संपन्न करने का आह्वान जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने जिलावासियों से किया है। उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था अबाधित रखने के लिए जिलाधिकारी ने विविध विभागों के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। अकोट तहसील के वरूर जौलका के निवासी भारतीय सीमा राष्ट्र संगठन में सेवारत शहीद सैनिक नीलेश धांडे जी के पार्थिव पर उनके पैतृक गांव वरूर जौलका में शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नीलेश धांडे जी नागालैंड में दिमापुर शहर की सीमा राष्ट्र संगठन में ग्रीप पायलट पद पर सन 2013 से सेवारत थे। नागालैंड में कर्तव्य पालन करते हुए उन्हें वीर मरण प्राप्त हुआ। अमरावती जिले समेत अमरावती संभाग के सभी जिले के 9 बड़े जल प्रकल्पों में इस समय जल स्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ है। अमरावती में 1, अकोला में 2 बड़े बांध, बुलढाणा जिले में 3 तथा यवतमाल जिले में 3 बड़े बांधों में जल स्तर लगभग 100% होने से इन सभी बांधों से अतिरिक्त जल का विसर्ग किया गया है। बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लिहाज अब विसर्ग की मात्रा या तो कम कर दी जाएगी या फिर रोक दी जाएगी। अकोला जिले में कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने की वजह से 1431 शालाओं में गुरुवार को घंटी बजी। शालाओं में छात्रों की संख्या भी संतोषजनक नजर आने की जानकारी शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है। इसी बीच जिला परिषद के CEO, शिक्षाधिकारी, उप शिक्षाधिकारी आदि के दलों ने विभिन्न शालाओं में भेंट दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक क्रेटा वाहन शेलू बाजार की ओर जाते हुए नियंत्रण छूट जाने के कारण पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बड़ी उम्र निवासी वैभव ढोरे तथा परतवाड़ा के धीरज अग्रवाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य 2 घायल हो गए। सड़क से मार्गक्रमण रहे वाहन चालकों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी। चुनाव के तहत निर्वाचन से संबंधित तमाम तैयारियां पूर्ण हो गई है। मतदान दल सोमवार 4 अक्टूबर को EVM सहित मतदान सामग्रियों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। मंगलवार 5 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 478 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। लगभग 3,72,000 मतदाता इन केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। रास्तों पर दौड़ने वाली ST बसों के लोकेशन की यात्रियों को जानकारी मिले, इस उद्देश्य से राज्य परिवहन निगम ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। इन बसों का लोकेशन मालूम हो सके इसलिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी VTS पद्धति विकसित की गई है। अकोला जिले के 5 बस स्टैंड पर बस का लाइव लोकेशन बताने वाली 11 LED स्क्रीन भी लगाई गई है। आगामी 3 महीनों के बाद होने वाले महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज गया है, जिसे देखते हुए मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए मनपा प्रशासन की ओर से विशेष जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी जी ने सोमवार को मनपा कार्यालय स्थित अपने कक्ष में बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी है। पातुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मालझोड़ से कापसी मार्ग से 2 लोगों को सोमवार को दोपहर कब्जे में लिया गया, जिनके पास से बड़े पैमाने पर देशी शराब का जखीरा बरामद हुआ। जब्त शराब सहित माल की कुल कीमत 1,06,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों के खिलाफ पातुर थाना में कार्रवाई की जा रही है। ग्राहकों को लगातार बिजली आपूर्ति करने के मद्देनजर महावितरण की ओर से स्वच्छता का बीड़ा उठाया गया। इस कड़ी में खंभों और ट्रांसफार्मर से सटी झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। जहां जहां खंभे और ट्रांसफार्मर हरियाली से लदे हुए हैं, वहां से उस हरियाली को उखाड़ फेंकने के लिए महावितरण ने कमर कस ली है। ज्यादा बारिश होने के कारण महावितरण के खंभों तथा ट्रांसफार्मर को विभिन्न झाड़ियों ने घेर लिया है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।